नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। दोस्तों, मैंने कई बार ऑफलाइन क्लास में बोला हूँ और वीडियो में भी आपको मिल जाएगा कि भारत देश में एस्मा एक्ट लागू होना चाहिए ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। भारत देश में एस्मा एक्ट लागू होना अति आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि हड़ताल कर्मी जो होते हैं वो हड़ताल ना कर सके और सुव्यवस्थित ढंग से देश आगे बढ़ सके और कोरोना काल में हम मिलकर के लड़ाई लड़ सके। डॉक्टर, नर्स, स्वच्छता कर्मी को साथ लेकर के हम देश का नेतृत्व कर सके और कोरोना को पराजित कर सके, इसके लिए एस्मा एक्ट जरूरी होता है। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। अब ये एस्मा एक्ट क्या होता है, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एस्मा एक्ट क्या होता है, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी और भारत देश में एस्मा एक्ट कब लागू किया गया था, एस्मा एक्ट लागू हो जाने से क्या सजा होती है और क्या इसका प्रावधान है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। दोस्तों, देखेंगे आप, ये है भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये दिल्ली, भारत। पहले समझ लो आप एस्मा क्या होता है, एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट। एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट यानी अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून, अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। अब इसमें कौन सी सेवाएं आती है, जैसे जो दिनचर्या की वस्तुएं हैं, चाहे वो मेडिकल की बात हो, अस्पताल की बात हो, या फिर हमारे खाद्य सामग्री की बात हो, या फिर किराना दुकान की बात हो, या कोई भी जिस प्रकार से जो डेली व्यक्ति उपयोग करता है, ये सारी की सारी वस्तुएं एसेंशियल सर्विस में आ जाती है। तो अब जैसे मैं आपसे बात करूं, एक अस्पताल के भरोसे मान लो 100 लोग बैठे हैं और अस्पताल का डॉक्टर ही कहीं चला गया, अस्पताल में कोई नहीं है, अब किसी को मान लो कोरोना हो गया तो व्यक्ति कहां पर इलाज करवाएगा भैया, वो तो मारा जाएगा बेचारा, छोटा सा काम है इलाज करवाना, लेकिन डॉक्टर ना होने के कारण व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए क्या होता है कि भारत देश में एस्मा एक्ट लागू होना अति आवश्यक हो जाता है। अब एस्मा एक्ट लागू कहाँ कहाँ हुआ है और क्या प्रावधान है, आप देखो, एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट की शुरुआत भारत देश में 1968 में की हुई थी। इसका उद्देश्य था कि भारत देश में जो व्यक्ति हड़ताल करते हैं, अब यहाँ समझो टॉपिक पे हम आते हैं, एस्मा एक्ट लागू हो जाने से भारत देश में जो डॉक्टर है हड़ताल नहीं कर सकते, मेडिकल के व्यक्ति हड़ताल नहीं करेंगे, परिवहन जैसे एम्बुलेंस वाले हड़ताल नहीं करेंगे, नर्स उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति ये हड़ताल नहीं कर सकते, जिनकी ज़रूरत भारत देश की जनता को है ऐसे व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकते, और हड़ताल यदि करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया जाएगा और उनको जेल होगी, ये उद्देश्य है एस्मा एक्ट का। तो साथियों, भारत देश में एस्मा एक्ट की शुरुआत 1968 में हुई थी, वहीं मध्य प्रदेश में 1979 में एस्मा एक्ट लागू पहली बार किया गया था। अच्छा, अब एस्मा एक्ट मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 में लागू कर दिया है और ये लागू किया है 3 माह के लिए। अब मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूं कि एस्मा एक्ट लागू होने से क्या क्या प्रावधान लागू हो जाते हैं। साथियों, एस्मा एक्ट अधिक से अधिक 6 माह के लिए लागू कर सकते हैं, अभी एमपी ने 3 माह के लिए लागू किया है पहली बार। दूसरा, यदि एस्मा एक्ट लागू हो जाता है, जिस डेट से एस्मा एक्ट लागू हो गया है, जितने दिनों के लिए हुआ है उस समय तक कोई हड़ताल नहीं कर सकता, यदि हड़ताल करेगा तो उसको 6 माह, देखो 6 माह तक के लिए आप लागू कर सकते हैं, लेकिन इसमें सजा का प्रावधान कितना है, इसमें जो सजा का प्रावधान है उस व्यक्ति को 6 माह तक की जेल हो सकती है, ₹250 जुर्माना हो सकता है, यह दोनों का प्रावधान किया गया है। एस्मा एक्ट एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट में प्रावधान किया है कि बिना वारंट का अरेस्ट किया जाएगा उस व्यक्ति को जो एस्मा एक्ट के तहत आता है, और उस व्यक्ति को 6 माह की सजा और ₹250 जुर्माना। अब बोलेंगे सर, ये तो ₹250 वो तो चाय पानी नाश्ता का खर्च ₹250 कोई भी दे देगा, भैया हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय है, इनने यदि ₹1 का भी जुर्माना लगाया है तो ये हमारे लिए 1 करोड़ के बराबर होता है, याद रखना, क्योंकि भारत देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी न्यायालय ने यदि ₹1 का जुर्माना लगाया है, जुर्माना का मतलब जुर्माना होता है, और यदि वो लगा दिया है तो व्यक्ति यदि कोई स्टूडेंट है, ₹1 का जुर्माना लगा दिया है तो व्यक्ति ड्यूटी लग सकता, ये ध्यान रखना, इसलिए जुर्माना छोटा बड़ा नहीं होता कोर्ट का।
तो इसलिए जुर्माना लगेगा 250 रुपए, 6 माह की जेल हो जाएगी। इस प्रकार से तो मध्य प्रदेश में अब 2022 में लागू हो गया, ये 3 माह की लागू हुआ है, अधिक से अधिक 6 माह तक लागू हो सकता था लेकिन 3 माह के लागू हुआ है एमपी में, और किस राज्य में है, कर्नाटक में लागू हो गया है। तो मैं भारत देश की सरकार से अपेक्षा करता हूं कि भारत देश में ही ये एक्ट लागू होना चाहिए। क्यों? अब बोलेंगे सर इस समय लागू क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल मई और जून इस समय में हमारे भारत देश में टेम्परेचर हाई होगा, और जहां जहां टेम्परेचर हाई था, विश्व के जिन जिन देशों में टेम्परेचर हाई था, अभी तक का तीसरा साल ही चल रहा है, तीसरी बार हम कोरोना को फेस करने वाले और हराएंगे भी, जिन जिन देशों में टेम्परेचर हाई था वहां कोरोना के केस बढ़े हुए थे। स्वाभाविक है भारत देश में आपने देखा 2020 में मार्च अप्रैल मई में बहुत टेम्परेचर हाई, तो कोरोना भी बहुत हाई था। 2021 में मार्च अप्रैल मई में कोरोना हाई, अब पता होगा 6 अप्रैल 2021 का समय है जब केस बढ़े हुए थे 1,07,000, यानी 1,07,000 केस एक दिन में निकले हुए थे अप्रैल के महीने में। अब आप सोचो कि इतना हाई पहुंच गया कोरोना कब, अप्रैल में, अप्रैल मई जून ये समय बहुत रहता है, हाई पीक रहता है कोरोना का। थर्ड भी जो लहर है इसमें लोग बाग मरने वाले नहीं है ज्यादा, इसमें हमको समस्या नहीं होने वाली, लेकिन कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो कोरोना कंट्रोल करने के लिए पाबंदियां बढ़ाना पड़ेगा। भारत सरकार को लॉकडाउन की ओर नहीं जाना चाहिए बल्कि पाबंदियां की ओर जाना चाहिए। यदि पाबंदियां की ओर जाते हैं तो उससे भी कंट्रोल हम कर सकते हैं, और कोविड के डोज जो है दोनों जिन जिनको लग गए हैं उनको कोविड जो ओमिक्रॉन है या भारत देश में जो भी कोरोना है डेल्टा वेरिएंट है डेल्टा प्लस है, तो ये सब उस व्यक्ति को होगा भी तो हल्की सर्दी खांसी बुखार में वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, कोई उसको मोर्टलिटी ओवर में व्यक्ति नहीं बढ़ेगा। तो भारत देश में टेम्परेचर हाई मार्च अप्रैल मई जून, तो इस समय भारत देश में जो एक्ट है एस्मा एक्ट लागू हो जाना चाहिए। तो एस्मा एक्ट लागू हो जाने से क्या हो जाएगा, पूरे भारत देश में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लागू हुआ है वैसे पूरे भारत देश में एक्ट लागू हो जाएगा। तो कोई भी चाहे वो डॉक्टर है, मेडिकल कर्मचारी है, परिवहन करने वाले हैं, एम्बुलेंस वाला है, स्वच्छता वाला है, नर्स है, उद्योग में काम करने वाला व्यक्ति है, डॉक्टर है, हड़ताल पे नहीं जाएंगे। यदि हड़ताल पे जाता है तो उसकी सेवा को निरस्त कर दिया जाएगा और उसको 6 माह तक के लिए जेल और 250 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, पूरे व्यवस्था प्रॉपर वे में बनते रहेगी। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था साथियों एस्मा एक्ट, उम्मीद करूंगा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।